हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि जैन एकेडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग उर्दू के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि सनाए और बदाए को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एमएम अली के ज़रिए। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे सनाए वो बदाए के, जिसमें पहली जो सनत है वो है सनत तजाद। सनत तजाद क्या होता है? तो शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ लाया जाए जिनमें बएतबार मानी तजाद हो यानी कि जिद पाई जाए, तो उसको हम लोग सनत तजाद कहते हैं। यानी कि किसी भी शेर में ऐसे दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि अपोजिट हो, तो उसको हम लोग सनत तजाद कहेंगे। जो सनत तजाद है वो शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सनत शायरी में इस्तेमाल होती है वो सनत तजाद ही होती है। इसको हम लोग तकाफुए तबाक भी कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं ताकि बात पूरी तरह से समझ में आए। शेर ये है कि उसे फ़िक्र क्या सजाओ जजा की, उसे फ़िक्र क्या सजाओ जजा की, तेरी आरजू जिसने सुबह मसा की। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस शेर पे ध्यान दें तो इस शेर के पहले मिसरे में सज़ा और जजा दो वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। सज़ा मतलब पनिशमेंट और जजा मतलब इनाम। इसी तरह दूसरे मिसरे में सुबह मसा, सुबह मतलब सुबह और मसा मतलब शाम। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिसरों में दो ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि अपोजिट हैं, इसलिए इस शेर में आपको सनत तजाद है। आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? आपसे एक शेर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस शेर में कौन सी सनत है। बढ़ते हैं, अगली जो सनत है वो है तजाहिल आरिफाना। दोस्तों, तजाहिल आरिफाना का मतलब क्या होता है? जानबूझकर अनजान बनना तजाहिल आरिफाना का लुगवी माना। यानी कि अगर कोई भी जानबूझ के अनजान बने तो हम कहेंगे कि वो तजाहिल आरिफाना है। इस्तेलाह में अगर मैं बात करूँ शायरी की इस्तेलाह में, तो किसी चीज़ को जानने के बावजूद उससे अपनी नावाकफियत जाहिर करना तजाहिल आरिफाना कहलाता है। जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँ कि भरी महफिल में इजहार मोहब्बत, भरी महफिल में इजहार मोहब्बत ये लग्जिस और फिर मेरी नज़र से। यहाँ पे शायर खुद भरी महफिल में मोहब्बत का इजहार कर रहा है और फिर अनजान बनते हुए कह रहा है कि क्या ये लग्जिस मेरी नज़र से हुई है। यानी कि शायर ना वाकफियत जाहिर कर रहा है हालांकि उसे सब कुछ पता है। इसी तरह का और शेर है कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द जैसे सीने में कुछ कम कम है। तो यहाँ पे महबूब आया है, शायर को पता है कि महबूब मेरी अयादत करने के लिए, मेरी बीमार पुरसी करने के लिए आया है, लेकिन अनजान बनते हुए खुद सवाल कर रहा है कि कौन आया है। तो यहाँ पे आपको शायर जानबूझ के अनजान बन रहा है, इसलिए इस शेर में तजाहिल आरिफाना है। बढ़ेंगे, अगली जो सनत है वो है सनत तलमी। तलमी का मतलब क्या होता है? तो तलमी से मुराद शेर या कलाम में किसी मशहूर किस्से, वाक़े, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना होता है। यानी कि किसी भी पुराने मशहूर किस्से या फिर वाक़े या किरदार या फिर किसी भी मजहबी रिवायत की तरफ जिस शेर में इशारा होता है उसको, उसमें सनत तलमी होती है। तलमी के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर यानी कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी किस्सा या फिर पूरी तारीख छुपी हुई होती है। जैसे यहाँ पे एक शेर मैं आपके सामने रखूँ कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न बंदा नवाज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेर में क्या है, सनत तलमी। इसी तरह दूसरा शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। तो यहाँ पे नमरूद के बारे में डिस्कस हो रहा है जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसने कि खुदाई का दावा किया था। तो इसमें किसी वाक़े की तरफ, किसी किस्से की तरफ इशारा हो रहा है, तो इस शेर में भी सनत तलमी है। एक शेर और मैं आपको सुना दूँ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इस अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इस शेर में भी सनत तलमी है क्योंकि इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि वो
नमरूद की आग में बिना खौफ व खदर कूद गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पे उनको अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह मुझे बचा लेगा। बढ़ेंगे, अगली जो सनत है वो सनत लफ व नशर है। लफ का मतलब होता है लपेटना और नशर का मतलब होता है फैलाना या फिर खोलना। तो किसी एक शेर में कुछ अल्फाज को लपेट कर बयान करना और फिर दूसरे शेर में अल्फाज को खोलना, ये क्या कहलाता है? सनत लफ व नशर कहलाता है। ये जो है खोलना और लपेटना, ये एक मिसरे में भी हो सकता है और दूसरे मिसरे में भी हो सकता है। लफ का मतलब मैंने बताया दिया लपेटना और नश का मतलब खोलना। एग्जाम्पल है कि तेरे रुखसार व कद चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस से बीमार जुदा। तो यहाँ पे देखिए नरगिस जो होगी वो ऐसे गाफ से होगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इमला जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आपने इस शेर में देखा कि एक शेर में लपेटा जा रहा है और फिर उसको क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उसका नशर किया जा रहा है। तो इस शेर में सनत लफ व नशर है। बढ़ेंगे, अगला जो है वो सनत तजनीस है। सनत तजनीस क्या होता है? जब शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया जाए जिनका तलफ़ुज एक हो, यानी कि इमला एक हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो, तो उसमें सनत तजनीस इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैं आपके सामने एक शेर रखूं कि सब सहेंगे अगर हम लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। यहाँ पे आँख लड़ाई का मतलब आप समझ ही सकते हैं, लड़ाई और लड़ाई दोनों का जो तलफ़ुज है वो एक है, लेकिन एक है आँख लड़ाई। तो आँख लड़ाना मतलब किसी को क्या करना, किसी से मोहब्बत कर लेना मान लीजिए, और लड़ाई जो है वो एक झगड़ा फसाद है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई लड़ाई दोनों है, दोनों का तलफ़ुज एक है लेकिन जो उनकी मीनिंग है वो अलग अलग है। तो इसलिए इसमें क्या है, सनत तजनीस है। जब कहीं भी आपको सेम वर्ड्स देखने को मिले और उनकी मीनिंग अलग अलग हो तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि सनत तजनीस होगी। बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मुबालगा की, हाइपरबल, बढ़ा चढ़ा के बोलना जिसमें होता है। तो किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या मजम्मत इस हद तक करना कि सुनने वालों को ये गुमान हो कि उसकी वस्फ या जम का कोई और मर्तबा बाकी नहीं रहा, यानी कि किसी की तारीफ इतना हद से ज़्यादा कर देना या फिर बुराई इतना हद से ज़्यादा कर देना कि सुनने वाले को लगे कि बस इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, उसकी एक किस्म गुलो भी है, ठीक है। गुलो किसे कहते हैं? तो जिस बात का दावा किया गया हो वो आदत और अक्ल दोनों के लिहाज से करीने कयास न हो, यानी कि ऐसी बात का दावा करना जो कि बिल्कुल मुमकिन ही न हो, उसको हम लोग गलो कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक शेर सुना दूँ कि आज फिर याद आ गए बीते दिन, आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आँखों से दरिया बह गया। अब भाई आँखों से आंसू बह सकते हैं, दरिया नहीं बह सकता, यानी कि ये अक्ल से दूर बात है, इसलिए इसमें जो है वो सनत मुबालगा है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि तू कहे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, तो चांद तारों को तोड़ लाना ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो क्या कर रहा है, मुबालगा आरई कह रहा है। बढ़ेंगे, अगली जो सनत है उसको देख लेते हैं। अगली सनत है मिरातुन नज़ीर। तो कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किया जाए जिनके माना में एक दूसरे के साथ एक नस्बत वाक़ हो लेकिन यह नस्बत तजाद व तकाबुल की न हो, मिरातुन नज़ीर कहलाते हैं। यानी कि एक नस्बत हो किसी अल्फाज में, दो या दो से अल्फाज में, दो से ज़्यादा अल्फाज में एक नस्बत हो लेकिन जो नस्बत हो वो अपोजिट वर्ड्स की न हो, तो उसको हम लोग मिरातुन नज़ीर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक शेर है कि कहाँ है साकिये महफिल, कहाँ है जाम व सबू, हुए इत्र फिशा नगमा बार हैं यारो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस शेर में देखें तो जो लफ्ज़ साकी है, जाम है और सबू है, तीनों में एक दूसरे में क्या है, नस्बत है, लेकिन जो नस्बत है वो क्या है, अपोजिट यानी कि तकाबुलो तजाद की नहीं है, इसलिए इस शेर में सनत मिरातुन नज़ीर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ अहम फिगर्स ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड और फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।